हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम प्लस वन क्लास की फिजिक्स करने जा रहे हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स का चल रहा था, उसका हम सी पार्ट वेक्टर पार्ट करने जा रहे हैं। वेक्टर पार्ट में हमने कल पिछली वीडियो में हमने क्या कर लिया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर के साथ किया था। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो कह रहे हैं अगर हम स्केलर के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा। व्हेन अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाईड सर्कुलर एस, इट बिकम ए वेक्टर एस सी। तो कह रहे हैं अगर हम वेक्टर ए को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्केलर इनटू में मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर बन जाएगा। हुज मैग्नीट्यूड इन एस टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड इट एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो वो कह रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, जो एस का मैग्नीट्यूड जब उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या आ जाएगा, एस टाइम हो जाएगा ए वेक्टर का। और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो ए वेक्टर की डायरेक्शन की साइड ही होगी। द यूनिट ऑफ एस ए इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनिट ऑफ वेक्टर ए। तो कह रहे यूनिट्स क्या होती हैं, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे ए है, यहाँ पे एग्जांपल, ए वेक्टर के हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 100 न्यूटन ड्यू वेस्ट, वेस्ट की तरफ। कह रहे 100 न्यूटन है हमारे पास ए वेक्टर है, जो क्योंकि ए वेक्टर है तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है, इस वजह से उसने हमें वेस्ट भी दिया है, डायरेक्शन भी दी है साथ में। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है, 100 न्यूटन ड्यू वेस्ट। जो एस है मेरे पास वो क्या है, 10 सेकेंड। स्केलर है, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन नहीं बताता। स्केलर की वैल्यू कितनी है, 10 सेकेंड। तो हमारे पास जब स्केलर के साथ वो मल्टीप्लाई होगा 10 सेकेंड इंटू में 100 न्यूटन ड्यू वेस्ट, तो हमारे पास टोटल यूनिट क्या बन जाएगी, 1000 न्यूटन सेकेंड ड्यू वेस्ट। बल्कि डायरेक्शन क्या होगी, एक ही होगी हमारे पास, और मैग्नीट्यूड कितना हो गया, उतने टाइम्स बढ़ जाएगा स्केलर के। क्लियर है बेटा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर इज डिफाइंड एज द सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेक्टर टुगेदर। कह रहे जब एक सिंगल सिंगल वेक्टर, दो वेक्टर मिलके तीसरा हमें क्या दे देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर दे देते हैं। तो कह रहे एक वेक्टर है, मान लो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो दोनों क्या करेंगे, हेड और टेल मिक्स होके क्या बना देंगे, हमारे पास एक वेक्टर फॉर्मेशन कर देंगे, रिजल्टेंट दे देंगे हमें। ठीक है, दोनों आपस में सम अप हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो आगे हम उसका अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको, पूरा एक हमारे पास क्या है, टॉपिक है रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर, हमें मैं उसे उसके अंदर आपको रिजल्टेंट वेक्टर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा, वेक्टर एडिशन इज नॉट पॉसिबल बाय सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। कह रहे अगर हम सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से देखें तो हमारे पास जो वेक्टर की एडिशन है वो पॉसिबल नहीं है सिंपल वे में। तो कैसे पॉसिबल है, तो देखते हैं हम। कह रहे वेक्टर कैन नॉट बी एडेड बाय सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा विच आर एप्लीकेबल टू स्केलर। तो कह रहे वो जो स्केलर होते हैं सिर्फ वो उसी के लिए एप्लीकेबल होते हैं कि वो सिंपली सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से एड अप हो जाए, वो वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। टू अंडरस्टैंड इट, कह रहे इट कंसीडर अ पार्टिकल इज फर्स्ट डिस्प्लेस टू 4 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 3 मीटर ड्यू नॉर्थ। कह रहे एक मैंने 4th मीटर वेस्ट की तरफ, मतलब कि हमने कह रहे फोर्थ मीटर वेस्ट की तरफ चला दिया, एक बेल ईस्ट की तरफ चला दिया, देन उसके बाद मैंने क्या किया, एक जो पार्टिकल है उसे 3 मीटर नॉर्थ की तरफ चला दिया। ठीक है, लेट कह दीज डिस्प्लेसमेंट बी रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू एंड क्यू एस। तो उसको मैंने क्या दे दिया, उसको नेम दे दिए कि एक पी क्यू है, एक क्यू एस है। जो ईस्ट हमारे पास ईस्ट की तरफ जा रहा है वो कितना है, 4 मीटर है पार्टिकल, देन ईस्ट की तरफ 4 मीटर जाने के बाद कह रहे वो क्या हो गया, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, वो कितना चलता है, 3 मीटर चलता है, किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। देन कह रहे उसका रिजल्टेंट कैसे निकाल लेंगे हम, तो उसे ऐसे नहीं है 4 + 3 कर दिया तो 7 मीटर आ गया, वो रिजल्टेंट आ गया। कह रहे हम ये नहीं निकाल सकते, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड सिर्फ स्केलर के लिए यूज किया जाता है। 4 + 3 एड अप कर दो, 7 आ गया, तो वो सिर्फ स्केलर मैग्नीट्यूड को बताता है, वो डायरेक्शन को मेजर नहीं करता। तो इसलिए कह रहे मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस क्या होगा, नॉट इक्वल टू 3 + 4 = 7। तो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड है बेटा, तो इसको किसके इक्वल रखेंगे, कह रहे
डायरेक्शन पहले क्या किया है हमारे पास, पीएस क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट है आर, तो इसे हम क्या कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ पी क्यू कस क्यू प्लस में क्यू एस कस क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर का कितनी वैल्यू है 4, और प्लस एस क्यू की कितनी वैल्यू है 3, देन 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना आ गया 125, तो क्या आ गया 125 की वैल्यू क्या आ गई 5 मीटर। तो एंगल थीटा विच गिव द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी एस इज अनदर टूवर्ड ईस्ट नॉट टूवर्ड नॉर्थ, बट इट इज ड्यू टू नॉर्थ ऑफ वेस्ट। कह रही है कहाँ चली गई अब ना, तो ये क्या रही डायरेक्शन, सिर्फ ईस्ट रही ना ही सिर्फ वेस्ट नॉर्थ रही, ये क्या बन गई ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन बन गई। जब ये क्या होगी हमारे हमारे पास निकल आई, ये वैल्यू निकल आई, तो क्या बन गई नॉर्थ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन बन गई, ये वाली डायरेक्शन बन गई बेटा नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, सॉरी नॉर्थ ऑफ ईस्ट बन गई, ये वाली डायरेक्शन बन गई हमारे पास, समझ आ गया। कह रही वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड बाय सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा, वेक्टर्स कभी भी सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से एड अप नहीं हो सकते, तो हमारे पास क्या होगा पी क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी एस के इक्वल आ जाएगा हमेशा, तो हम इसे ऐसे ही फॉर्म में लिख सकते हैं ए प्लस बी, या फिर ए वेक्टर मान लो इसको बी मान लो, ए प्लस वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है आर रिजल्टेंट के इक्वल है, ठीक है बेटा, इसे हम क्या बोल देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। ओके थैंक यू।